रशियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल पे गया था तो मैं पुटिन का स्वेटशर्ट लिया. आई थिंक इज वेरी फिट. आई थिंक इज वन ऑफ फिटेस्ट प्रेसिडेंट्स इन द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई बिकॉज़ ऑफ फिटनेस आई हैव टेकन दिस. नो पॉलिटिकल लीनियज एट ऑल. या और आज यहां पर आप आए हैं लोगों को फिटनेस के लिए क्या कुछ सलाह देंगे क्योंकि हॉस्पिटल है जी और यहां पे आपने फिटनेस की बात भी की जी. क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक फिटनेस ऑफ कोर्स आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी कैसी है. हर एक की बॉडी सेम नहीं होती है. फॉर एग्जांपल मैं एक्टोमॉर्फ हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो उसके हिसाब से मैं अपनी डाइट प्लान करूँगा अपना रिजीम प्लान करूँगा. बट आई थिंक समबडी हु इज एन एंडोमॉर्फ जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है नेचुरली वो ब्रॉड है तो उनका अलग एक सिस्टम होता है. एंड आई एम ग्लैड आज मुझे डॉक्टर सुरेश मिले यहाँ पर और उन्होंने मुझे बताया कि दे ही मेट समबडी जिनको शायद बोलने में प्रॉब्लम थी. आई थिंक डॉक्टर सुरेश खुद बोलना चाहेंगे इस बारे में. लेफ्ट और राइट ब्रेन उनका आई थिंक लेफ्ट ब्रेन वॉज नॉट वर्किंग. प्लीज आप बताइए. ऐसा हुआ कि कल ही मेरे पास पेशेंट आया वो राजस्थान से आया था और वो पिछले डेढ़ साल से कुछ भी नहीं बोल सक रहा था. तो उसके पिताजी बहुत दुखी थे क्योंकि वो 32 साल का है और तो उसके पिताजी मेरे पास लेके आए कि इसका कुछ कर सकते हैं क्या, इसको स्ट्रोक या लकवा हो गया है. बोलने का लकवा हो गया था तो मैंने उनको बोला कि भाई डेढ़ साल हो गया है तो लेकिन कुछ तो करते हैं कोशिश करते हैं. तो मैंने उनको समझाया कि अगर ये बोल नहीं सकेगा लेकिन ये गा ज़रूर सकेगा क्योंकि ट्यून्स जो है वो ब्रेन के राइट साइड से आती है और वर्ड्स लेफ्ट साइड से आते हैं तो उसको लेफ्ट साइड का डैमेज था. तो वो बिलीव नहीं कर सके. मतलब उनको लगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है डॉक्टर आज तक ये सही नहीं बोल रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें अभी तक किसी ने मुझे कैसे ये नहीं बताया या जो भी हो. तो लेकिन फिर मैंने बोला नहीं नहीं आप गा के देखो. तो ऑफकोर्स वो गा नहीं रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था जहाँ मैं एक शब्द नहीं बोल सकता हूँ वहाँ गाऊँगा कहाँ. तो मैंने क्लिनिक में रहते हुए भी मैंने उसके लिए गाया एक दो शब्द गाए उसके लिए और ट्यून में तो जैसे मेरी ट्यून इनके जैसे तो नहीं है इनकी ट्यून बहुत बेहतर है लेकिन मेरे ट्यून में जैसे गाया तो उसने भी बोलना शुरू किया और गान थोड़ा सा गाया उसने. उसके पिताजी की आंख में आंसू थे. वैसे ही हुआ सही वैसे हुआ और डेढ़ साल से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था. इनफैक्ट मेरे को इतना ज़्यादा मैं फिल्में ऐसी नहीं करता हूँ जिससे सिक्स पैक दिखाने की जरूरत पड़े. मेरी फिल्में काफ़ी रियलिस्टिक होती हैं. मैं डिपेंड करता है आई थिंक आगे आने वाली फिल्मों में भी मुझे लगता है सिक्स पैक वाली कोई फिल्में हैं. आई थिंक इट्स ऑल इन द रियल जोन. सब आपको हल्के में ले रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है. फिल्में का कुछ वो कंटेंट बहुत भारी होता है तो फिर मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती. बात यह है क्या आई थिंक म्यूजिक इज अ ग्रेट थेरेपी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला और मुझे लगता है म्यूजिक से आप काफ़ी कुछ अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं या फिर जब आप इनफैक्ट जॉग पे जाते हैं फिटनेस पे जाते हैं जिम में जाते हैं वहाँ भी म्यूजिक ऑन होता है आपको मोटिवेट करता है म्यूजिक. और आई थिंक मोटिवेशन म्यूजिक से जितनी अच्छी आती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती. इट्स वेरी पोर्टेबल यू कैन जस्ट ऑन द मूव लिसन टू गुड म्यूजिक एंड आई थिंक नो टीवी डे पर म्यूजिक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. और आपके सारे गाने हिट होते हैं आप लोगों को पसंद आ रहे हैं इस तरह के हिट गाने आप देते हैं. आई थिंक बहुत ऑफकोर्स बहुत अच्छी फीलिंग होती है. इट्स मोर ग्रेटिफाइंग टू कट सिंगल्स मोर देन द म्यूजिक इन द फिल्म्स क्योंकि आपको खुद वीडियो क्रिएट करना पड़ता है खुद कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है और जो आपके मन में धुन आती है वो आप क्रिएट कर देते हैं. एंड यही आई एम वेरी ग्लैड यही हूँ मैं को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 2 मिलियन हिट्स हो चुके हैं अभी तक एंड आई एम वेरी ग्लैड कि सिंगल्स काफ़ी अच्छा जा रहे हैं आजकल. तो आयुष्मान सारी ट्यून्स ही आप ही किए? ये यही हुआ मेरी ट्यून है अपने दोस्त के साथ रोचक कोहली के साथ कंपोज किया उसके साथ दिखाया. आयुष्मान जब भी डाइटिंग या हेल्थ की बात होती है जो लोगों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वो डाइटिंग भूख रहना शुरू कर देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी एक मेंटल वो बनाते हैं कि यार शायद ये फिट होगा. मुझे लगता है आपको सही मात्रा में कार्ब या प्रोटीन्स और फैट खाना चाहिए. कई लोग जीरो कार्ब डाइट कर देते हैं कई लोग करते हैं ऐसा विच इज़ नॉट गुड. आई थिंक आपको अच्छी नींद भी नहीं आती अगर आप अच्छा खाना खाकर नहीं सोते. तो आई थिंक यू शुड ईट वेल एंड स्वेट वेल दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. यू शुड नॉट गो फॉर द सिक्स पैक फैट्स सीरियसली. थैंक यू सो मच. आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा और गाना गाकर बहुत मजा आया. यहाँ पर एक स्मॉल ऑडियंस थी ऐसा लगा फैमिली के साथ मैं गा रहा हूँ. जब मैं घर पर गाता हूँ ऐसा फील हो रहा था. इट्स वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू सर.